तो भाई यहाँ पे घर का पूरा बच चुका और भाई सीजे ने लड़की को भी बचा लिया। तो भाई अब ये लड़कियाँ ना सीजे को किस करने वाले, मतलब लिटरली यार आप देखना। और ये भाई ये देखो, ओ भाई साहब ये किस करने वाले, ओ भाई साहब इसने किस दे दिया। सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी। सो गाइस आ गया आपका भाई GTA San Andreas का पार्ट 7 लेके। सो गाइस चलो चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या करना है। लेकिन अभी इस पुलिस वाले ने ठोक कैसे दिया, अभी इसकी भैंस की टांग ये ले तू। तो गाइस इसको पीट के हम निकल गए, पुलिस वालों को से पीट दिया हमने। लेकिन आपको एक फन फैक्ट बताऊँ, अभी हम जा रहे हैं पुलिस वालों की मदद करने। हाँ भाई आपने बिल्कुल सही सुना, मतलब एक गैंगस्टर जा रहा है पुलिस वालों की मदद करने। वो जो टैम्पेनी है, टैम्पेनी को तो आप जानते हो कि ऑफिसर टैम्पेनी और ऑफिसर पुलास्की ने कॉल करके अभी अभी बुलाया है कि भाई उनको मदद की ज़रूरत है। एक गैंग घुस चुका है अपने लॉस सैंडोस के अंदर, जो कि भाई उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। मतलब उनकी रातों की नींद उड़ा रखी है। मतलब उन लोगों ने बताया था, उन्होंने बहुत ट्राई किया उनको पकड़ने का, बट वो पकड़ में आ ही नहीं रहे। तो भाई अभी उनको चाहिए हमारी हेल्प। वैसे मैंने स्टार्टिंग में तो सोचा कि उनको मना कर दूँ, कि भाई दोनों बहुत ही हराम खो रहे, मुझे जेल में डाल दिया था। बट फिर मैंने सोचा कि चलो भाई कर ही देते हैं मदद, क्योंकि दोनों है जो कि पुलिस वाले, कभी ना कभी काम तो आ जाएंगे। सो लेट्स गो और करते हैं उनकी मदद। तो चलो भाई चलते हैं। सो गाइस हम आ चुके हैं यहाँ पे, और ये देखो टैम्पेनी और पुलिस के दोनों बैठे हैं, एक साथ में एक और ऑफिसर भी है। सो लेट्स गो और भाई देखते हैं कि आखिर क्या पंगे हो रखे। मतलब फ़ोन तो वैसे कर दिया था, बता तो दिया था, बट डिटेल में नहीं बताया था भाई। तो डिटेल में जानेंगे कि भाई आखिर एग्जैक्टली हुआ क्या है, वो कौन से गैंग मेम्बर है, कहाँ से आए हैं वगैरह वगैरह। सो लेट्स गो। और ये ऑफिसर साइड हट गया, नहीं हटते तो दो रैप्टे देता मैं, एक तो मदद करना है ऊपर से बैठा हुआ है। तो भाई यहाँ पे पता करते हैं पूरे अच्छे से कि आखिर बात क्या है। सो लेट्स गो। और भाई हमें पता चल गया फाइनली क्या कि बात क्या है। तो चलो मैं आपको सबसे पहले तो एक गाड़ी छीन लेता हूँ, इसको पीट देता हूँ। ओके सो बाइक हमें मिल गई। अब मैं आपको जाते जाते रास्ते में बता दूँ क्या कि हुआ क्या है। तो देखो भाई वो जो गैंग वाले हैं ना, बहुत खतरनाक गैंग है, ऐसा टैम्पेनी बता रहा था हमें। उसने ड्रग डीलिंग का काम चालू कर दिया लॉस सैंटोस में, और साथ ही साथ वो पुलिस वालों को मार भी रहा है, जिससे उनकी मतलब जो सीनियर है ना टैम्पेनी और पुलिस की, वो उसे बहुत ही गालियाँ दे रहा है भाई। तो और उसके पकड़ में भी नहीं आ रहा था, तो उसने हमें बुलाया ताकि हम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। तो भाई अपने बंदों को मैंने बता दिया कॉल करके, और उन्हें बोला है कि भाई जाओ और पता करो क्या कि वो गैंग मेंबर है का क्या कर रहे हैं, और हर एक डिटेल मतलब कितने गैंग है और सब कुछ मैंने उनको बोला है। तो उन्होंने बताया मुझे कि भाई देखो जो गैंग मेंबर है ना, उनमें से ज़्यादातर लोग तो अभी बाहर ही खड़े हुए, और बाकी जो कुछ मेंबर हैं वो घर के अंदर है। तो भाई मैं सोच रहा हूँ ना मोलोटॉव्स ले लूँ और जाके उनके घर को आग लगा दूँ। मतलब जो बाहर होंगे उनको तो पीट देंगे, लेकिन उसके बाद घर को पूरा आग लगा देंगे तगड़ा वाला एकदम। तो चलो भाई मोलोटॉव्स ले लेते हैं। यहाँ पे आई थिंक मुझे लोकेशन पता है, ये देखो हाँ ये रहा मोलोटॉव्स। वैसे अगर आपको नहीं पता कि मोलोटॉव्स से होता क्या, तो भाई देखो पता है अगर इस पर आप फेंकोगे ना तो आग लग जाती है। मतलब भाई आज पूरे घर को आग लगा देंगे तगड़ा वाला। सो लेट्स गो और भाई चलते घर को आग लगाने। सो गाइस हम आ चुके हैं गैंग वालों के घर पे, और यहाँ भाई तीन गैंग के मेंबर तो मुझे सामने ही दिख रहे हैं। इनको तो भाई आज बहुत ही बुरा वाला मारेंगे, और बाकी के जो गैंग मेंबर है मुझे लगता है पीछे होंगे। हाँ पीछे होंगे भाई, क्योंकि ये गैंग थोड़ी बड़ी है, इतना मतलब तीन चार तो होंगे नहीं, और भी मेंबर तो पक्का होंगे। तो भाई चलो ढूंढते हैं और उनको भी मारते हैं। वैसे मैं सोच रहा हूँ ना कि आज इनको बाइक से मारो, मतलब ये देखो उड़ गया ओ भाई। तो चलो भाई पहले वाले को तो मार दिया सीधा, बाइक से ही मारा है, और दूसरे वाले को रुको उड़ाते हैं। तो भाई ये गया और ये ओ पापा की परी उड़ गई उड़ गई। तो भाई पापा की परी को तो उड़ा दिया हमने, और देखते हैं ये पापा का एक और परा इधर बचा हुआ है, तो इसको भी उड़ाते। इधर शूट करके देखता हूँ मैं दूर से, शूट होता है क्या। तो भाई शूट तो नहीं हो रहा, तो भाई पास जाके शूट करते हैं इसको, इसको भी उड़ाते हैं, और देखते हैं कि और भाई कहाँ कहाँ पे छुपे हुए हैं, सबको देखते हैं। तो भाई ये देखते हैं किधर है, मिल नहीं रहा है भाई कोई, इधर है क्या कोई, नहीं इधर भी नहीं है। चलो आगे चल के देखते हैं, आगे मिलता है। ओके इसको यहाँ पे इसको ठोकते भाई, इसको तो मार दिया, और देखते भाई इधर कोई, हाँ ये रहा देखो साइड में, तो इसको भी भाई शूट करेंगे। आज भाई मैं बाइक से उतरने वाला भी नहीं, सबको बाइक पे बैठे बैठे ही मारूंगा। तो चलो भाई यहाँ तो हमने मार दिया, और देखते और है क्या कहीं, और भाई आई थिंक अभी तो नहीं है, बट मुझे लगता है घर के अंदर से निकलना जाए, बस घर वाले जो बंदे वो निकल गए तो दिक्कत हो जाएगी, घर में बहुत सारे गैंग मेंबर्स छुपे हुए हैं। तो भाई लेट्स गो, और अभी घर को आग लगा देते हैं ताकि वो निकल गए तो दिक्कत ना हो फिर। तो भाई चलो चलते हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि खिड़की से फेंकते हैं। हाँ भाई सही रहेगा, खिड़की से फेंकते हैं इसको तो पूरा घर में आग लग जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे फेंकते हैं, ओ भाई यहाँ क्या देखो तगड़ा वाला मतलब आग लगा, जल्दी जल्दी फेंक दीजिए कहीं वो निकल गए तो दिक्कत हो जाएगी फिर। तो और यहाँ पे भी फेंक दे, और इस खिड़की से फेंक दे, तो भाई तीन खिड़की में तो फेंक दे, और बाकी जितने भी खिड़की के बच्चे उनमें भी आग लगा देते हैं। सो लेट्स गो। और यहाँ अबे यहाँ बंदे आ गए भाई, ओ शिट आई थिंक ये दो बंदे घर से बाहर निकल चुके हैं। तो भाई इनको इनके ऊपर फेंक देता हूँ मैं, ओ भाई अभी तो जल गया भाई साहब, राख हो जाएंगे जल के। और आओ और शूट करना है ना, लो शूट कर लो, मतलब हद हो गया। और वैसे ही भाई इस लॉस सैंटोस में एक ही गैंग चल सकता है जो कि अपना गैंग है, और बाकी कोई गैंग आया तो उनको तो हम छोड़ेंगे नहीं। पुलिस की और टैम्पेनी तो फिर भी एक बहाना है, लेकिन अपने आप को तो मतलब इस
लॉस सैंटोस में एक ही गैंग चल रहे थे जो कि अपना है भाई। तो भाई पूरे घर को आग लगा दिया हमने, अब देखते और कोई जगह बचा है क्या। नहीं भाई घर को पूरा आग लगा दिया, अब देखते क्या होता है आखिर। सो भाई देखो पूरा घर में आग लग चुका है और भाई पूरा घर मतलब आग से तहस नहस हो चुका है ये देखो। लेकिन एक मिनट ये कौन है भाई, ओ शेट मैन, एक लड़की भी वहाँ फंसी हुई है भाई, इसको बचाना पड़ेगा मुझे लगता है, नहीं तो अगर वो मर वर गई तो दिक्कत हो जाएगा भाई। उस लड़की की क्या गलती है, आई थिंक इन लोगों ने उसे किडनैप किया होगा भाई। शेट मैन, अबे लड़की को किडनैप करके रखा है, मतलब हद है यार, अब मुझे लड़की को बचाने जाना पड़ेगा। तो घर में हम आ गए और वो भाई साहब यहाँ तो बहुत गलत सीन हो रखा है यार, मतलब भाई पूरे घर में आग लग चुका है। ओ शेट मैन, अब मैं उस लड़की को बचाऊँ कैसे, मतलब जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, कहीं मैं ही आग में ना लिपट जाऊँ। और भाई एक तो मुझे लड़की को बचाना है, लेकिन मैं ही अगर आग में लिपट गया तो क्या ही फ़ायदा, मतलब भाई क्या ही गलत सीन हो रखा है यार यहाँ पे। तो देखते भाई जल्दी से ढूंढते, और ये मैं टॉयलेट में क्यों जा रहा हूँ भाई, टॉयलेट में थोड़ी ना फायर एक्शन यूज़र रखा होगा, तो भाई जल्दी से ढूंढना पड़ेगा। आई डोंट नो ये लोग रखे भी होंगे या नहीं, अगर नहीं रखेंगे तो भाई बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि भाई उसके बिना अगर हम गए तो लड़की को हम बचा नहीं पाएंगे और साथ ही साथ हम खुद भी जल के राख हो जाएंगे। सो लेट्स सी, और भाई वापस टॉयलेट टट्टी लगी क्या वैसी है तेरे को। ओके सो भाई फायर एक्शन यूज़र मिल गया, तो भाई अब हम फाइनली जा सकते हैं उस लड़की को बचा सकते हैं। वैसे भी उस लड़की के पास बहुत ही कम टाइम है, मतलब भाई देख रहे हो पूरे घर में आग लग चुकी है, अगर थोड़ा सा भी लेट किया तो भाई वो लड़की जल के राख हो जाएगी भाई। तो देखते हैं इसमें जाके, देखते हैं भाई कि यहाँ से रास्ता है क्या, वैसे छत पे थी वो, इतना तो मैं नोटिस किया था, बाकी जाके देखते कि वो कहाँ पे है। सो लेट्स गो, इस बेडरूम में नहीं है भाई, बेडरूम में तो नहीं, और इसमें वैसे आग भी नहीं लगी तो ये तो अच्छी बात है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। सो लेट्स गो और आगे देखते हैं। ओके सो भाई वो यहाँ पे है, और यहाँ पे भाई इस आग को सबसे पहले बुझाते हैं और उसके बाद लड़की से मिलने जाते हैं। सो लेट्स गो और देखते भाई। तो भाई ये लड़की ना बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, मतलब इसने बोला, और ओ शट मैन ये क्या हो रहा है भाई, ये दीवारें गिर रही है, मतलब ये घर पूरा तहस नहस होने वाला मुझे लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है मुझे भी। और ये लड़की तो भाई डरी हुई है, लेकिन भाई अपने आप को डर पे मतलब सयम। ओ शट मैन ये क्या हो रहा है, पूरा भूकंप भूकंप आ गया क्या, मतलब डेंजर हो रखा भाई, आग को जल्दी से बुझाते हैं वरना ये लड़की मरेगी और साथ साथ मैं भी मरूंगा भाई, अगर मुझे कुछ हो गया तो बिग स्मोक भाई इस लड़की को भी मार डालेगा, मतलब बिग स्मोक वैसी हरामी है, मेरे लिए कुछ भी कर जाएगा वो। तो भाई यहाँ से तो आग वाग बुझा दिया और लड़की चला जाए जल्दी से आ जाए, और भाई हमें सीधे गुस्सा हो गया भाई, मतलब आ नहीं रही थी तो गुस्सा हो जाएगा इतना जल्दी गुस्सा। और भाई यहाँ पे हम जाते हैं और अबे फिर नहीं आ रही भाई, फिर रैपटे धर देगा सीधे तेरे, तो ज़्यादा और इसके दांत देख अबे गजब है, इसका दांत देखा है आपने, मतलब दो आगे रैबिट जैसे निकले हुए थे, तो वो भी सही है, फनी लगे थोड़े मुझे, बट कोई ना चलो चलते हैं यहाँ से निकलते हैं। और भाई यहाँ पे भी आग पूरा लगा है, किचन उचन में भी हर जगह आग लगा है भाई, यहाँ से तो मैं रास्ता ढूंढ ढूंढ के निकाल रहा हूँ, देखो टॉयलेट के रास्ते से मैं इसे लेके जा रहा हूँ ताकि आग में लिपट न जाए कहीं गलती से, बट फिर भी यहाँ पे आग कहीं ना कहीं तो मिल ही जा रहा है, पूरे घर में आग लग चुकी है भाई, वो जो गैंग के मेंबर होंगे वो तो कब के लिपट गए होंगे इससे। और भाई यहाँ से जल्दी से निकलना पड़ेगा तो हम भी निपट जाएंगे, ये लड़की बच गई वही बहुत बड़ी बात है। सो लेट्स गो और बाहर जाते हैं भाई। सो भाई यहाँ पे बहुत ही गलत सीन हो रखा था, बट यहाँ हम बाहर आ चुके फाइनली, और ये भाई लड़की आ गई। ओके सो थैंक यू बोरी आई थिंक, और ओ शेट भाई ये क्या हो रहा है भाई, किस कर दिया इसने, मतलब लिटरली थैंक यू बोलने का ये तरीका तो काफ़ी सही है। सीधे भाई पूरा खुश हो गया होगा, मतलब क्या बात है भाई, सीधे तो पूरा ही खुश हो गया है, मतलब गजब, ये विश्व मतलब सोचा नहीं था भाई मैंने गलती से भी ऐसा कि कुछ ऐसा हो सकता है, लिटरली भाई सीधे भाई पूरा खुश हो रखा है, मतलब इसका दिल तो गार्डन गार्डन हो गया होगा। सो गाइस अभी चलो चलते हैं और इस लड़की को उसके घर पे छोड़ देते हैं। वैसे ही भाई बहुत ज़्यादा डर गई थी, बट यहाँ मेरी बाइक कहाँ गई यार, बाइक लगता किसी ने चुरा के भाग गए, मतलब भाई साइड में पार्क किया था फिर भी चुरा के भाग जाते हैं लोग, हद है यार ये लोग भी। तो भाई उसको छोड़ो, कोई कार उठा लेते हैं और उसी से निकलते हैं। तो भाई हम कार उठा के लेके आ गए और यहाँ से हम जा रहे थे, लेकिन भाई पता है रास्ते में एक चीज़, मतलब इस लड़की ने जो लड़की बैठी है ना हमारे साथ, उसने सीजे को प्रपोज़ कर दिया, मतलब लिटरली भाई सीजे को प्रपोज़ कर दिया और सीजे ने भी हाँ बोल दिया है, मतलब भाई अब ये सीजे की गर्लफ्रेंड है, विश्वास करोगे आप, मतलब सीजे की भी गर्लफ्रेंड बन गई भाई साहब। सीजे तो आज भाई पूरा पार्टी वार्टी करेगा, मतलब पूरा खुश हो रखा है भाई सीजे, मतलब भाई सीजे के तो आज मौज हो गई है। सो लेट्स गो और पार्टी करते भाई। तो भाई पार्टी करने के लिए सीजे ने अपनी गर्लफ्रेंड को भी बुला लिया है और पता नहीं अब कहाँ लेके जाता है सीजे, चलो देखते हैं। सो लेट्स गो और सीजे चल लेके चल, आई थिंक ये बार लेके जाए क्योंकि बार भाई सबसे पास में है और सीजे भाई बहुत ही आलसी बंदा है, मतलब ये नहीं ज़्यादा दूर जाने वाला, बट लेके तो जाएगा कहीं ना कहीं तो लेके जाएगा, और पार्टी वार्टी तो भाई करेगा पक्का क्योंकि भाई आज बहुत खुश है सीजे, मतलब पहले तो किस मिल गया उसके बाद भाई उसकी गर्लफ्रेंड बन गई, तो भाई ये तो नेक्स्ट लेवल चीज़ हो गई यार, मतलब लिटरली भाई। तो ओके बार में हम आ चुके हैं और यहाँ पे भाई जाएंगे ये दोनों और वाइन पियेंगे आई थिंक, क्योंकि बार बार मिलता भी गया है, मतलब वही डांस वांस देखेंगे और वाइन पियेंगे। सो लेट्स गो और चल सीजे चलते हैं बार में। तो भाई देखते हैं
और चलो, लेकिन इसलिए जा क्यों नहीं रहा भाई, क्या दिक्कत है तुझे? अबे पीछे पीछे क्यों घूम रहा है? तेरी गर्लफ्रेंड है, किसी और की नहीं है, टेंशन मत ले तू। हाँ मुझे समझ, ये करना क्या चाहता है कि मतलब भाई मुझे समझ नहीं आ रहा। ओके सो भाई किस करना चाहता है वापस से गर्लफ्रेंड को? भाई अंदर ले जा, अंदर कर लियो, मतलब क्या हद है ये भी। अबे भाई छोड़ दे पीछा, मतलब थप्पड़ वप्पड़ लगा देगी, इतना परेशान मत कर उस लड़की को। किस चाहिए इसे तो देखते भाई, देती है या नहीं ये किसी से वापस, मतलब हद है भाई ये भी। सीजे किसके तो पीछे ही पड़ गया, कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया इसे। सो लेट्स गो, और आई थिंक दे, ओ भाई साहब इसने तो दूर भगा दिया सीजे को, मतलब दे ही नहीं रही। तो भाई ये देखो, अबे भाई सीजे हराम खोर भाई, ठरकी हो रखा है सीजे पूरा, मतलब बार बार उसे किस करने की कोशिश कर रहा है भाई। सीजे अभी वाइन वाइन पी ले, उसके बाद कर लियो। तो भाई अभी चल जा बार के अंदर। सो लेट्स गो, और भाई गर्लफ्रेंड को लेके चल गया अपने बार के अंदर। और ये भाई, ये दोनों भाई क्या ही तगड़ा वाला पार्टी कर रहा भाई, ये तो पूरा बोतल ही उठा के पी रहा है अपना सीजे। और भाई ये देखो कुछ कुछ बातें बातें हो रही है, आई थिंक ये खुश हो गई है पूरी इससे। सो लेट्स गो, और आई थिंक आप किस कर दे इस सीजे को वापस से। तो देखते भाई ये वैसे छोड़ेगा तो नहीं, ये पक्का फिर से कोशिश करेगा, मुझे पता है। बहुत ठरकी हो रखा है यार अपना सीजे, क्या भाई सीजे तू भी। तो देखते आई थिंक अभी कर देगी। ओ भाई साहब अभी भी उसने भगा दिया सीजे को, मतलब हद है यार। सीजे भाई छोड़ दे। तो भाई देखो आप बहुत ही मतलब हैप्पी एंडिंग हो गई, लेकिन सीजे के लिए थोड़ा सा बुरा भी हुआ क्योंकि उसे वापस कैसे मिला नहीं। तो भाई यहाँ पे तो वीडियो को ख़त्म करते हैं। वैसे थैंक यू उस वीडियो को देखने के लिए, और सीजे की भाई गर्लफ्रेंड बन गई उससे अच्छी बात हो ही कह सकती है। तो भाई उसके लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और अगर आपके मन में कुछ भी है तो आप कमेंट कर सकते हो। और बताना कि सीजे की गर्लफ्रेंड कैसे लगी आपको, अच्छी है या फिर सीजे को कोई और गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए, तो ये कमेंट तो ज़रूर से कर देना। सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और अपना ख्याल रखना।